बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स देखी थी, जिसके अंदर हमने कंट्रोल पैनल, टास्क बार, स्टार्ट बटन वगैरह की डिटेल्स देखी थी। और आज के लेक्चर में हम मजीद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और आज के लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस होगा वो आपकी एक्टिव विंडो पर होगा, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ टूल बार्स की डिटेल्स देखेंगे कि वो बार्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका पर्पस क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा और जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस हैं उनको आप अनस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब आप इसमें जिस भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अनस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आप बआसानी अपने कंप्यूटर से उस एप्लीकेशन को अनस्टॉल भी कर सकते हैं। यानी ये जो कंट्रोल पैनल है ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपके सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग्स, और इन सेटिंग्स को तभी एडजस्ट करना होगा जब आपको ये सेटिंग एडजस्ट करनी आती होगी। तो आप ये श्योर रहें कि जब आपको ये काम आता हो तभी आप ऐसा करें, क्योंकि अगर आपने कोई गलत सेटिंग कर दी, कोई गलत आईडी डाल दी, कोई गलत प्रोग्राम आपने अनस्टॉल कर दिया तो इसका नुकसान आपको पहुंच सकता है। तो इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो है एक्टिव विंडो, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। यानी जब भी आप अपने माय कंप्यूटर के आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है इस तरह से, जैसे इसी तरह डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक और भी दूसरे आइकन्स पर जब आप उन पर क्लिक करेंगे तो एक स्टैंडर्ड विंडो आपके सामने खुलेगी जो कहलाती है एक्टिव विंडो। और इस विंडो में आपको कुछ कॉम्पोनेंट्स नजर आएंगे, जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, एड्रेस बार और स्टेटस बार। दोस्तों आइए हम इन तमाम बार्स की डिटेल्स देखते हैं। इनमें सबसे पहले है टाइटल बार। टाइटल बार ये एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जिसमें आपको कुछ बटन्स और आइकन्स नजर आएंगे, जैसे कि विंडो टाइटल, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन और टाइटल एरिया। दोस्तों अगर आपने माय कंप्यूटर के फोल्डर पर क्लिक किया हुआ है तो टाइटल बार में आपको माय कंप्यूटर और उसी से रिलेटेड उसका आइकन नजर आएगा। अगर आपने डाउनलोड पर क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको टाइटल बार के अंदर डाउनलोड का नाम और डाउनलोड का आइकन नजर आएगा। जिस भी फोल्डर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्टैंडर्ड विंडो खुलेगी जो कि सिर्फ इसी तरह की होगी। यानी हर फोल्डर को खोलने के बाद जो विंडो खुलेगी वो आपकी एक्टिव विंडो होगी, जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, जिसके अंदर टाइटल बार होगा, मेन्यू बार होगा, स्टैंडर्ड टूल बार होगा, एड्रेस बार होगा और स्टेटस बार होगा। और हम देखेंगे कि ये तमाम बार्स क्योंकि स्टैंडर्ड हैं तो इन तमाम बार्स के अंदर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन नजर आएगी। और दोस्तों ये टाइटल बार आपको ये बताता है कि ये जो एक्टिव विंडो है ये किस पर्पस के लिए ओपन की है। जैसे अगर ये माय कंप्यूटर है तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर की तमाम डिटेल नजर आएंगी, आपकी डिस्क की डिटेल नजर आएंगी। अगर डाउनलोड होगा तो यहाँ पर आपको डाउनलोड की डिटेल नजर आएंगी। यानी इस माय विंडो का पर्पस ये होता है कि जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किया है उसकी तमाम डिटेल्स आपको इस एक्टिव विंडो के अंदर। इसके बाद इस टाइटल बार में आपको इस बार के साथ साथ तीन बटन्स भी नजर आ रहे होंगे, जिनमें पहला बटन है मिनिमाइज बटन, जो कि आपकी विंडो को मिनिमाइज करेगा। इसके बाद जो दूसरा बटन है वो है मैक्सिमाइज बटन, जो कि आपकी विंडो को एनलार्ज करेगा, बड़ा करेगा। और जो तीसरा बटन है वो है क्रॉस बटन, क्योंकि आपकी इस एक्टिव विंडो को बंद कर देगा। अब आइए मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन दिखाती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर टॉप पर आपको एक माय कंप्यूटर का आइकन नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इस आइकन पर डबल क्लिक करूंगी तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, विच इज माय एक्टिव विंडो। यानी मैंने माय कंप्यूटर पर क्लिक किया है तो जो मेरे पास विंडो आई है वो इस वक्त मेरी एक्टिव विंडो है। अब यहाँ जो सबसे टॉप पर आपको बार नजर आ रहा है, सबसे ऊपर जो आपको बार नजर आ रहा है, ये बार कहलाता है टाइटल बार, जिसके बाएं तरफ आपको माय कंप्यूटर का आइकन और माय कंप्यूटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त आपकी एक्टिव विंडो का टाइटल है। और क्योंकि आपने माय कंप्यूटर को ओपन किया हुआ है तो यहाँ आपको माय कंप्यूटर का ही आइकन
और नाम नजर आएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी नजर आ रहा है, तो अगर मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगी तो अब मेरी एक्टिव विंडो जो है वो मेरी डॉक्यूमेंट के फोल्डर की तमाम चीजें नजर दिखाएगी। यानी अब मेरे टाइटल बार के ऊपर जो लोगो और टाइटल नजर आ रहा होगा वो डॉक्यूमेंट्स का होगा। इसके बाद दाएं तरफ आपको तीन बटन देखेंगे, जो सबसे पहला बटन है उस पर डैश बना हुआ है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, और इसे हम मिनिमाइज बटन कहते हैं, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक्टिव विंडो सिमट कर टास्क बार में चली जाएगी। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी ये जो एक्टिव विंडो थी ये पूरी सिमट कर इस टास्क बार के अंदर चली गई है। अब जब मैं इसके इस टास्क बार पर क्लिक करूंगी तो अभी मैंने मल्टीपल विंडोज खोली हुई है, ये मुझसे पूछेगा कि आप एप्लीकेशन विंडो खोलना चाहते हैं, विंडोज की विंडो खोलना चाहते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स की खोलना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट का समझा रही हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अब ये डॉक्यूमेंट की एक्टिव विंडो मेरे सामने खुल चुकी है, और ये पूरा अमल कहलाता है मिनिमाइज द ऑब्जेक्ट यानी मिनिमाइज द विंडो। ये देखिए यहाँ पर अगर आप कर्सर भी लेकर जाएंगे तो एक छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है मिनिमाइज। इसके बाद जो अगला बटन है वो कहलाता है मैक्सिमाइज बटन, जैसे कि आप देख भी सकते हैं इसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है और ये कहलाता है मैक्सिमाइज बटन। इसका काम ये होता है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो, आपकी एक्टिव विंडो इनलार्ज हो जाएगी और ये आपकी पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन को घेर लेगी। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब मेरी पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ ये पूरी विंडो नजर आ रही है। तो ये जो मैक्सिमाइज है ये आपकी विंडो को बड़ा करता है, और अगर आप इस पर रीक्लिक करेंगे यानी अगर आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब ये क्या काम करेगा, अब ये रीस्टोर डाउन यानी दोबारा से इसको रीस्टोर कर देगा इसकी पुरानी शक्ल में। आइए देखिए, देखते हैं क्या ये ऐसा करता है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरी विंडो जो है ये दोबारा पहले जैसी हालत में आ गई है। तो डियर फ्रेंड्स, टाइटल बार के ऊपर हमने देख लिया टाइटल आइकन क्या करता है, और अब हम ये तीन बटन देख रहे हैं जिसके अंदर हमने मिनिमाइज बटन देख लिया, मैक्सिमाइज बटन देख लिया, और आखिर में जो लास्ट बटन है वो कहलाता है क्रॉस बटन या फिर क्लोज बटन। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि आपकी ये एक्टिव विंडो बंद हो जाएगी। ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी ये एक्टिव विंडो अब बंद हो चुकी है, और मुझे अब ये नीचे से या आपको टास्क बार में भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसको मिनिमाइज नहीं किया बल्कि मैंने इसको बंद कर दिया है। तो अब मुझे इसे खोलने के लिए दोबारा से माय कंप्यूटर पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये था टाइटल बार और इसके कुछ आइकन्स और इसके बटन्स का पर्पस। इसके बाद जो अगला बार है वो कहलाता है मेन्यू बार। दोस्तों दिस इज अ हॉरिजॉन्टल बार बिलो द टाइटल बार, ये भी एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जो कि टाइटल बार के बिल्कुल नीचे आपको नजर आएगा, और इसमें आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, कुछ बटन्स नजर आएंगे, जैसे कि फाइल, कंप्यूटर, व्यू और एडिट वगैरह के भी ऑप्शंस होंगे, नेटवर्क के भी हो सकते हैं, और ये ऑप्शंस आपकी विंडो को देखते हुए तब्दील भी हो जाते हैं। चलिए आइए मैं इसकी भी आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ। दोस्तों ये है आपकी एक्टिव विंडो, और इस एक्टिव विंडो में आपको सबसे पहले नजर आएगा टाइटल बार, जिसके अंदर आपको टाइटल से मुतालिक और तीन बटन्स वगैरह की डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ वो है। इसके बाद जो नीचे बिल्कुल इसके नीचे आपको बार नजर आ रहा है ये वाला, ये कहलाता है मेन्यू बार, और इसको मेन्यू बार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही आप इनमें से किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे, अभी मैं फाइल पर क्लिक करूंगी, तो जैसे ही मैंने फाइल पर क्लिक किया तो एक इस तरह की लिस्ट मुझे शो हो रही है। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर पर क्लिक करूंगी तो कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे लिस्ट शो होगी, मेन्यू शो होगा। व्यू पे क्लिक करूंगी तो व्यू से रिलेटेड शो होगा कि आप अपनी इस विंडो के अंदर किस तरह का व्यू देखना चाहती हैं, स्मॉल आइकन्स देखना चाहती हैं या फिर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स देखना चाहती हैं। तो इस तरह से मैं अपने व्यूज वगैरह को भी चेंज कर सकती हूँ। तो दोस्तों ये जो मेरा एक एक्टिव विंडो है के अंदर जो ये मेन्यू बार है ये विद रिस्पेक्ट टू द विंडो चेंज होता है। अगर मैंने माय कंप्यूटर के ऊपर माय कंप्यूटर की विंडो खोली हुई है तो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड आपको ये मेन्यू आइटम्स नजर आएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ
अब मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन्यूज आपको नजर आएंगे, यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं मेन्यू बार के अंदर, अब वो चेंज हो गए हैं। पहले माय कंप्यूटर के ऑप्शंस कुछ और थे और अब जब मैंने डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो ऑप्शंस कुछ और हैं, जैसे कि होम, शेयर, व्यू वगैरह। तो दोस्तों इससे हमें ये पता लगा कि जैसे जैसे हमारी एक्टिव विंडो का पर्पस चेंज होता है, अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मेन्यूज नजर आएंगे, अगर डाउनलोड्स हैं तो डाउनलोड से रिलेटेड नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर नेटवर्क है तो ये मेन्यू बार के अंदर आपको नेटवर्क से रिलेटेड ऑप्शंस नजर आएंगे। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ और मजे मजे की भी चीजें हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ डाउनलोड्स पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन्यूज, तमाम जो मेन्यूज हैं वो डाउनलोड से रिलेटेड आ गए हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर होम पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि आप फाइल को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शंस। लेकिन जब मैं इन ऑप्शंस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैंने किसी भी फाइल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। यानी इससे हमें ये पता लगा कि जब मैं किसी फाइल को सिलेक्ट करूंगी तो जो उससे रिलेटेड ऑप्शंस होंगे वो खुल जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ लेक्चर 12 बाइनरी नंबर सिस्टम और अब मैं होम पर जाऊंगी तो आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने एक फाइल सेलेक्ट की कर ली है और इस फाइल पर मैं मल्टीपल काम कर सकती हूँ, इसको कॉपी कर सकती हूँ, तो अब मेरे पास ये कॉपी का जो एलिमेंट है, आइकन है, ये मुझे एक्टिव नजर आ रहा है। इसी तरीके से और दूसरे ऑप्शंस मैं इसके ऊपर कर सकती हूँ, इसको पेस्ट कर सकती हूँ, इसको मूव टू कर सकती हूँ, इसको कॉपी टू कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ। यानी इससे मुझे ये पता लगा कि जब तक मैं किसी फाइल को सिलेक्ट नहीं करूंगी तब तक उस फाइल के ऊपर मैं कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकती। अब अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर देती हूँ, इसको मैं छोड़ देती हूँ, अभी आप देख सकते हैं मैंने कोई फाइल सिलेक्ट नहीं की हुई, तो आप देखेंगे कि ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो डीसेलेक्ट हो गए। यानी अब कॉपी भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने किसी फाइल को सिलेक्ट ही नहीं किया। हाँ, पेस्ट जरूर कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने देखा था कि मैंने कॉपी का बटन प्रेस किया था। तो जब मैंने कॉपी का बटन प्रेस किया है तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की मेमोरी में आ गया है कि अब आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी फाइल को पेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की तो ना ही मैं उसको मूव टू कर सकती हूँ, ना ही कॉपी टू कर सकती हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं कि जब तक आप किसी फाइल को सिलेक्ट नहीं करेंगे आपको ये तमाम ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद है, क्योंकि ये मेन्यूज का ऑप्शन है, मतलब ये मेन्यू बार है, तो जब आप मेन्यू बार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन्यूज ही खुलेंगे। लेकिन एक और मजे की बात कि अक्सर कुछ मेन्यूज ऐसे भी हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे तो मजीद मेन्यूज आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ओपन न्यू विंडो है और अगर इसके सामने ये एरो बना हुआ है, विच मीन्स कि इसके मजीद मेन्यूज आपको नजर आएंगे। जैसे ओपन न्यू विंडो के अंदर एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। इसी तरीके से इसके अंदर आपको कुछ मेन्यूज नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको कोई एरो नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। इस तरह हेल्प के अंदर आप हेल्प कर सकते हैं, अबाउट विंडोज वगैरह। यानी इस पॉपअप जो मेन्यूज हैं इनके अंदर भी आपको और मेन्यूज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो डिफरेंस ये था आपका मेन्यू बार, जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के मेन्यूज, जो आपकी एक्टिव विंडो है उसी से रिलेटेड आपको तमाम मेन्यूज नजर आएंगे। इसके बाद जो अगला बार है वो है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड बटन टूल बार। दोस्तों स्टैंडर्ड बटन टूल बार आपको मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे जो बार नजर आ रहा होगा वो कहलाता है स्टैंडर्ड बटन टूल बार। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड बटन्स होते हैं जिनकी वजह से इसको स्टैंडर्ड बटन टूल बार कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर आप कुछ बटन्स देखेंगे, जैसे कि ये जो सबसे पहला बटन है ये आपको किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके बाद जो दूसरा बटन है वो फोल्डर क्रिएशन के लिए होता है, जो नेक्स्ट बटन है वो अंडू के लिए होता है, और उसके बाद जो एक बटन है वो रीडू के लिए होता है, और आखिर में जो एक क्रॉस का साइन नजर आ रहा है ये क्लोज का बटन होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, आइए हम ये प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों ये आपकी एक्टिव विंडो है और इसके अंदर ये जो बार नजर आ रहा है ये कहलाता है स्टैंडर्ड बटन टूल बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले बटन को, विच इज अ प्रॉपर्टीज बटन। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर आपको विंडोज के अंदर कोई बटन का पर्पस नहीं पता है तो आप बस अगर उस बटन के पास
इस कर्सर को लेकर जाएंगे तो आप उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि उस बटन का पर्पस क्या होता है। अब अगर जब मैं इस बटन के पास अपना कर्सर लेकर गई हूं तो आप देख सकते हैं कि इस बटन का नाम है प्रॉपर्टीज बटन। और ये करता क्या है, आप जो भी फाइल सिलेक्ट करेंगे ये आपको उस फाइल की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये डाउनलोड्स है, तो डाउनलोड्स के अंदर मैंने एक फाइल सिलेक्ट की है, ये लेक्चर 12 बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जब मैं इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहती हूँ, इसका साइज देखना चाहती हूँ, तो मुझे जस्ट इसको क्लिक करना है और यहाँ पर ये मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगी अपने स्टैंडर्ड बटन टूल बार में से, जो पहला बटन प्रेस करूंगी प्रॉपर्टीज का, तो ये देखिए आपके सामने इस पूरी फाइल की तमाम प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी कि इसका साइज क्या है, डिस्क पर इसका साइज क्या है, ये कौन से प्रोग्राम से रिलेटेड है, जैसे कि ये पावर पॉइंट से रिलेटेड है तो इसकी डिटेल आ गई, इसका नाम आ गया, यानी इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये कब क्रिएट हुआ था, कब मॉडिफाई हुआ था, वो तमाम चीजें आपको इस बटन के जरिए शो हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बटन है विच इज अ फोल्डर क्रिएशन या फिर न्यू फोल्डर बटन, दोस्तों इससे क्या होगा, जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, अब आप देखिएगा जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये मैं क्लिक कर रही हूं और ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है। इसके बाद जो अगला आपको बटन नजर आ रहा है विच इज अ अंडू बटन, तो ये करता क्या है, जो भी आपने रिसेंटली काम किया होता है उसको रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ए बी सी डी, तो अगर आप अंडू का बटन प्रेस करेंगे तो आपका डी मिटा देगा, यानी स्टेप बाय स्टेप आपके काम को पीछे लेकर जाता रहेगा। अब अभी मैंने क्या किया था, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था, तो जब मैं अगर अंडू का बटन प्रेस करूंगी तो ये जो मेरा रिसेंट मैंने काम किया है उसको रिमूव कर देगा, उसको अंडू कर देगा। डू का मतलब होता है करना और अंडू का मतलब होता है रिमूव करना। तो अब आप देखिए जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगी तो ये जो फोल्डर मैंने बनाया था ये अब डिलीट हो गया है, यानी जो मैंने काम किया था इसने उसको रिमूव कर दिया। इसके बाद जो अगला आपको बटन नजर आ रहा है वो है रीडू का, और रीडू का बटन क्या करता है कि जो भी आपने पीछे काम किया है उसको दोबारा आपको कर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था तो अंडू ने वो फोल्डर डिलीट कर दिया, तो रीडू के जरिए मैं उस काम को दोबारा कर सकती हूँ, दोबारा जो मैंने फोल्डर बनाया, जो फोल्डर डिलीट किया था उसको दोबारा से क्रिएट कर सकती हूँ। तो अब ये देखिए ये मेरा फोल्डर दोबारा से क्रिएट हो गया। तो अंडू क्या करता है, आपको आपके उस काम को मिटा देता है और रीडू आपके उस काम को दोबारा कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको बटन नजर आ रहा है विच इज अ डिलीट बटन, क्रॉस बटन, क्लोज बटन, तो ये करता क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये कहलाएगा, यहाँ पर तो ये कहलाएगा क्लोज बटन, लेकिन यहाँ पर ये कहलाता है डिलीट बटन। यानी डिलीट का मतलब होता है ये इस जो भी आपने कोई भी चीज सिलेक्ट की है उसको डिलीट कर देता है, विच मीन्स कि उसको रिसाइकल बिन के अंदर डाल देता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज को डिलीट करने से पहले आपको उसे सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, क्या या जो चीज आप डिलीट करना चाहते हैं वो आपको कंप्यूटर को तो बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ ये न्यू फोल्डर का, न्यू फोल्डर जो कि मैंने अभी बनाया है। अब आप देखिए कि जैसे ही मैं इसको डी सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर ये हो जाता है ग्रे, विच मीन्स कि ये एक्टिव नहीं है। और ये एक्टिव कब होगा, जब मैं किसी भी आइटम को सिलेक्ट करूंगी। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये हो गया है रेड, विच मीन्स कि अब आप इसको ये एक्टिव हो गया है, अब आप इसको काम में ला सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आप ये देखेंगे कि मेरा ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, और ये आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर अब डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों ये था स्टैंडर्ड बटन टूलबार, जिसके अंदर ये कुछ आपको बटन नजर आ रहे थे जिनका काम कुछ स्पेसिफिक काम था, कुछ स्टैंडर्ड काम था। इसके बाद ये जो अगला आपको बटन नजर आ रहा है ये यही तमाम चीजें हैं, यानी अगर आप यहाँ से इन पर, यहाँ पर आपने क्लिक किया हुआ है तो ये आपको शो हो रही है, लेकिन अगर आप इनको डीसिलेक्ट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि वन बाय वन ये चीजें यहाँ से चली जाएंगी, ये भी चला गया, रीडू भी चला गया। अगर आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इनको, आपने अभी यहाँ से क्लिक हटाया है, यानी ये जो यस का फोल्डर वो है ये आपने हटाया है, अगर आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यानी ये जो क्लिक है ये दोबारा करेंगे तो ये डिलीट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टैंडर्ड बटन टूल बार पर अपनी मर्जी से तमाम ऑप्शंस को रख भी सकते हैं और चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं, यानी हटा भी सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है वो है स्टैंडर्ड
सॉरी एड्रेस बार, सॉरी क्योंकि इतने सारे बार्स हैं तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी है। तो अब जो नेक्स्ट बार है वो है एड्रेस बार। दोस्तों एड्रेस बार स्टैंडर्ड बटन टूल बार के बिल्कुल नीचे वाला जो बार होता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड बार, और इसमें आपको विंडो टाइटल दिखेगा और उस टाइटल के आगे एक और मजीद एरो होगा जिसके जरिए आप दूसरी विंडो को भी ओपन कर सकते हैं, यानी और उस आइकन से रिलेटेड जितने भी फोल्डर्स आपके पास मौजूद होंगे उनको इस एरो के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ जो दूसरा बॉक्स आपको नजर आएगा वो है सर्च बॉक्स, और जिसमें आप अपनी मर्जी की फाइल और फोल्डर्स को तलाश कर सकते हैं ताकि आप उनको ओपन कर सके यानी एक्सेस कर सके। अब आइए मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ ये है एड्रेस बार, और क्योंकि मैंने माय कंप्यूटर की विंडो ओपन की है तो यहाँ भी आपको माय कंप्यूटर का आइकन और नाम नजर आएगा। अब यहाँ एक ट्विस्ट है कि आपने आपको इसमें कंप्यूटर के आगे यानी माय कंप्यूटर के आगे एक छोटा सा एरो दिखेगा, जिसका मतलब ये है कि इस माय कंप्यूटर में मजीद फोल्डर्स हैं और आप उनको यहाँ से डायरेक्टली खोल सकते हैं। अब मैंने यहाँ एरो पर क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इस एरो पर क्लिक किया तो इस माय कंप्यूटर के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने माय कंप्यूटर से सिलेक्ट किया डाउनलोड्स को, तो डाउनलोड्स के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं आपको वो यहाँ पर नजर आ जाएंगी। अब मैं यहाँ डाउनलोड पर क्लिक किया तो अब आपको बहुत सारी फाइल्स नजर आ रही हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ये सर्च बॉक्स। क्योंकि जब आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ लेक्चर 12, तो यहाँ पर लेक्चर 12 जो भी इस डाउनलोड के अंदर मौजूद होगा वो सामने आ जाएगा, ताकि आपको तमाम डाउनलोड्स को ना देखना पड़े बल्कि आपको एक पर्टिकुलर फाइल का नाम आपको याद है तो आप उसके जरिए भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने वक्त को बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये काम था आपके इस एड्रेस बार का, जिसके जरिए आप बहुत सारी फाइल्स को यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और साथ के साथ किसी पर्टिकुलर फाइल को सर्च बॉक्स के जरिए सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है वो है स्टेटस बार। दोस्तों ये आपको इस विंडो के लेफ्ट बॉटम पर यानी उल्टे हाथ के दाएं तरफ आपको नजर आएगा, और जो भी फाइल आपने सिलेक्ट की होगी उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ये आपको फराहम करेगा। अब आइए मैं आपको इसकी, आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लेक्चर 12 बाइनरी नंबर सिस्टम सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस फाइल की जो बेसिक प्रॉपर्टी होगी, इस फाइल की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी ये उसको आपको दे देगा। जैसे यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर कितने आइटम्स हैं, 76 आइटम्स हैं, तो ये बताएगा। उसके बाद ये बताएगा कि आपने जो एक आइटम सिलेक्ट किया है, जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट किया है, तो उसकी उसका साइज आपको देगा, विच इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सिलेक्टेड फाइल। तो दोस्तों ये था आपकी एक्टिव विंडो की कुछ डिटेल्स, जिसके अंदर हमने एड्रेस बार पढ़ा, स्टेटस बार पढ़ा, मेन्यू बार पढ़ा, टाइटल बार और दूसरे बार वगैरह की डिटेल्स देखी हैं। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को मजीद एक्सप्लोर करेंगे, फाइल्स, फोल्डर्स, आइकन्स और क्लिप्स वगैरह की डिटेल देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।